हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे चैनल मैसान स्टार्डस में। और यूर आज की स्टूडियो में हम बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर केन घोष की एज अ डायरेक्टर रिलीज तमाम मूवीज की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट आप ही वक्त के साथ शेयर करेंगे। वीवर एज अ डायरेक्टर केन घोष की डेब्यू मूवी थी 2003 में रिलीज होने वाली शाहिद कपूर स्टारर मूवी इश्क विश्क। और अब तक वो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के लिए कितनी मूवीज डायरेक्ट कर चुके हैं और उनकी कितनी मूवीज हिट, कितनी फ्लॉप और कितनी ब्लॉकबस्टर रही हैं, आज की स्टूडियो में यही डिटेल हम आप व्यूअर्स को प्रोवाइड करेंगे। तो चलें व्यूअर्स, वीडियो का आगाज करते हैं इस इंट्रो के बाद। तो इवर एज अ डायरेक्टर केन घोष की बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के लिए डेब्यू मूवी थी इश्क विश्क। इस फिल्म की लीड कास्ट में शाहिद कपूर और अमृता राव शामिल थे। ये शाहिद कपूर की एज अ हीरो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के लिए डेब्यू मूवी थी। ये फिल्म 11 अप्रैल 2003 को रिलीज हुई थी। इश्क विश्क एक रोमांटिक मूवी थी जिसे IMDb 10 में से 4.8 स्टार दिए गए थे। 5 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने इंडिया में 7 करोड़ 74 लाख के कलेक्शन की और फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुए 11 करोड़ 3 लाख। और बॉक्स ऑफिस पर इश्क विश्क एक एवरेज मूवी साबित हुई। केन घोष की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी फिदा। फिल्म की लीड कास्ट में शाहिद कपूर, करीना कपूर और फरदीन खान शामिल थे। ये फिल्म 20 अगस्त 2004 को रिलीज हुई थी। फिदा एक एक्शन क्राइम ड्रामा मूवी थी जिसे IMDb 10 में से 5.5 स्टार दिए गए थे। 10 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने इंडिया में 9 करोड़ 71 लाख के कलेक्शन किए। फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में 16 करोड़ 21 लाख और बॉक्स ऑफिस पर फिदा एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई। केन घोष के डायरेक्शन में बनी नेक्स्ट मूवी चांस पे डांस। फिल्म की लीड कास्ट में शाहिद कपूर, जिनेलिया डिसूजा शामिल थे और यह फिल्म 15 जनवरी 2010 को रिलीज हुई थी। चांस पे डांस एक कॉमेडी रोमांटिक डांस मूवी थी जिसे IMDb 10 में से 4.8 स्टार दिए गए थे। 29 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने इंडिया में 20 करोड़ 62 लाख के कलेक्शन किए। फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुए 32 करोड़ 21 लाख और बॉक्स ऑफिस पर चांस पे डांस भी एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई। हर्ष दीदिया, केन घोष और समर इकबाल की डायरेक्शन में बनने वाली वेब सीरीज देव डीडी। इस वेब सीरीज की लीड कास्ट में आशिमा वर्धन, अखिल कपूर, संजय सूरी और सुनील सेहना शामिल थे। और ये 2 सीजन पर बनने वाली वेब सीरीज थी जिसके 28 एपिसोड थे और ये Z5 और आल बालाजी के थ्रू 21 अप्रैल 2017 को रिलीज हुआ पहला सीजन और 20 फरवरी 2021 को दूसरा सीजन इसका रिलीज हुआ था। देव डीडी एक एक्शन क्राइम ड्रामा वेब सीरीज थी जिसे IMDb 10 में से 5.5 स्टार दिए गए थे। केन घोष और प्रभात प्रभाकर की डायरेक्शन में बनने वाली वेब सीरीज XXX। इस वेब सीरीज की लीड कास्ट में ऋत्विक धनजानी, कियारा दत्त, अपर्णा बाजपाई, प्रियंका तेंदुलकर और अपर्णा शर्मा शामिल थे। ये भी 2 सीजन पर बनने वाली वेब सीरीज थी जो कि आल बालाजी के थ्रू 27 सितंबर 2018 को ऑनलाइन रिलीज हुई थी। XXX एक कॉमेडी रोमांटिक ड्रामा वेब सीरीज थी जिसे IMDb 10 में से 4.8 स्टार दिए गए। केन घोष की डायरेक्शन में बनी नेक्स्ट वेब सीरीज हक से। इस वेब सीरीज की लीड कास्ट में राजीव खांडेलवाल, सरवीन चावला और पारुल गुलाटी शामिल थे और इस वेब सीरीज के पहले सीजन में 20 एपिसोड थे और ये आल बालाजी के थ्रू OTT प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन 2 फरवरी 2018 को रिलीज हुई थी। हक से एक ड्रामा वेब सीरीज थी जिसे IMDb 10 में से 8.2 स्टार दिए गए। केन घोष की डायरेक्शन में बनने वाली नेक्स्ट वेब सीरीज का नाम है अभय। इस वेब सीरीज की लीड कास्ट में कुणाल खेमो, संदीपा धार, आशा नागी, राम कपूर और चंकी पांडे भी इस वेब सीरीज का हिस्सा थे। इसके 3 सीजन Z5 के थ्रू अब तक रिलीज हो चुके हैं और इसका पहला सीजन 7 फरवरी 2019 को रिलीज हुआ था। अभय एक क्राइम थ्रिल वेब सीरीज थी जिसे IMDb 10 में से 8.1 स्टार दिए गए थे। केन घोष की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी स्टेट ऑफ सेज टेम्पल अटैक। इस फिल्म की लीड कास्ट में अक्षय खन्ना, अभिमन्यु सिंह, गौतम रोड, विवेक धैया, अक्षय ओबराय शामिल थे और ये मूवी 9 जुलाई 2021 को Z5 के थ्रू डिजिटली OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई थी। स्टेट ऑफ सेज टेम्पल अटैक ये एक एक्शन थ्रिल मूवी थी जिसे IMDb 10 में से 7.8 स्टार दिए गए थे और ये मूवी ऑनलाइन OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई थी। थिएटर्स पर इसे रिलीज नहीं किया जा सका था और यही एज अ डायरेक्टर केन घोष की अब तक की रिलीज आखिरी फिल्म भी साबित हुई है। तो यूवर ये थी केन घोष की रिलीज तमाम मूवीज और वेब सीरीज की डिटेल। तो एज अ डायरेक्टर केन घोष की रिलीज इन तमाम मूवीज और वेब सीरीज में आपकी फेवरेट कौन कौन सी मूवीज और वेब सीरीज हैं? कमेंट सेक्शन में सिलसिले में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड, ऐसा हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज की कोशिश आप ही वर्ष को पसंद आई होगी। हमारी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल मैसान स्टार्स को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा और साथ ही इस बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। हमारा आज का वीडियो देखने का आप तमाम व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया।